हेलो दोस्तों, मैं हूँ हृदेश और आज फिर एक तो डाउट को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि क्लास 11 ISC मैथमेटिक्स का है और मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर का है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहले तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 7 क्वेश्चन है। 7 to the power 2n प्लस 2 to the power 3n-3 इंटू 3 to the power n-1 इज डिविजिबल बाय 25। तो इसको हमें मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन को हमने पहले ही कॉपी में लिख रखा है और अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है उसको एक तो मैं नाम रख देता हूँ, लेट पी एन इज इक्वल्स टू 7 to the power 2n प्लस 2 to the power 3n-3 होल इंटू 3 power n-1। इसका हमने एक तो नाम रख दिया। नाउ फॉर n इज इक्वल्स टू 1, हम ये मान के चलते हैं कि n की वैल्यू 1 है। देखते हैं पी वन कितना होता है। पी वन हो जाएगा 7 to the power 2 into 1 प्लस 2 to the power 3 into 1-3, 3 power 1-1। तो ये बन जाएगा आपका 7 to the power 2 into 1 2 होता है, दैट इज 7 square, दैट इज 49, प्लस 2 की पावर 3-3 0, दैट इज 1, इंटू 3 की पावर 1-1 0, दैट इज ऑल्सो 1। सो ये आपका 50 हो गया एंड 50 इज डिविजिबल बाय 25। लिखेंगे सिंस 50 इज डिविजिबल बाय 25, दैट इज पी वन इज ट्रू। मतलब ये पी एन जो है जब एन की वैल्यू 1 होगा वो सही होगा। अभी ये मान के चलेंगे कि ये की टर्म तक सही होता है। लेट एज्यूम दैट लेट पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के। ये मान के चलते हैं कि पी एन जो है के टर्म के लिए सही है। तो अगर के टर्म के लिए सही है तो पी के का जो वैल्यू होगा 7 to the power 2 k प्लस 2 to the power 3k-3 इंटू 3 की पावर k-1। मतलब सभी n की जगह में हमने क्या किया, k रिप्लेस कर दिया। और हमने पी एन जो है वो ट्रू मान रखा है जब n की वैल्यू k होगा, मतलब ये जरूर 25 के द्वारा डिविजिबल होता होगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है 25 का मल्टीपुल होगा। देखिए ये ट्रू है, मतलब इट मोस्ट डिविजिबल बाय, सॉरी यहाँ दिखाता हूँ, इट इज डिविजिबल बाय 25। अगर डिविजिबल बाय 25 होगा मतलब मल्टीपुल ऑफ 25 होगा। और यहाँ पर हमने m इसलिए लिखा है कि m आपका जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ये एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू 25 m हो गया। अभी हमें दिखाना होगा कि ये पी के जो सही है, पी के प्लस 1 भी उस हिसाब से सही होना चाहिए। वी हैव टू शो दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। ठीक, तो अभी पी के प्लस 1 करेंगे। पी के प्लस 1, तो पी के प्लस 1 का मतलब होगा जितने भी जगह में एन था वहां पर अभी हम क्या लिखेंगे, के प्लस 1। तो 7 to the power 2 k+1 प्लस 2 to the power 3 k+1 -3 इंटू 3 की पावर k+1-1। तो इसको हम अलग पेज में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जो लास्ट पेज में था उसको हमने नए पेज में लिख लिया है, अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 7 to the power 2 into k+1 है, तो इसको हम 7 to the power 2k+2 लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 3k+3 -3 हो गया, और ये इंटू 3 की पावर k+1
माइनस वन हो गया। अब दोस्तों ये चीज आपको यहाँ पर समझना होगा या फिर याद रखना होगा कि हमें हमेशा पी के प्लस वन के अंदर पी के को ढूंढना होता है। ध्यान दीजिए, मैं रिपीट करता हूँ, हमें ये पी के प्लस वन को इस तरह से सजाना होगा जैसे कि उसमें पी के नजर आए, मतलब पी के उसके अंदर दिख जाए हमें। तो मैं हम क्या करूँगा, जो टर्म पी के में था उसको यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँगा। तो मैं पहले दोबारा आपको पी के को दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं पी के, यहाँ लिखा है पी के सेवन टू दी पावर टू के, टू की पावर थ्री के माइनस थ्री इंटू थ्री की पावर के माइनस वन, एंड उसकी वैल्यू है 25 m। तो ध्यान दीजिए सेवन टू दी पावर टू के था, तो वहाँ पर लिखेंगे इसको, देखिए सेवन टू दी पावर टू के हमने लिख दिया इंटू सेवन टू दी पावर टू, क्योंकि हमें पी के में ये वाला टर्म चाहिए था, प्लस टू टू दी पावर, यहाँ पर देखिए थ्री के माइनस थ्री था, प्लस थ्री नहीं था। तो हम लोग क्या करेंगे, थ्री के माइनस थ्री को साथ में रखेंगे इंटू देखिए टू की पावर थ्री को अलग कर दिए। अब यहाँ पर थ्री के माइनस वन था, प्लस वन था नहीं, तो ठीक उसी तरह थ्री के माइनस वन को साथ में रखेंगे और थ्री की पावर प्लस वन जो हुआ है उसको अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये एक्सप्रेशन बन गया। नाउ यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो और से सजा देते हैं, सेवन टू दी पावर टू के, ये आपका सेवन का स्क्वायर हो गया। जो जो चीज़ हमें चाहिए उसको नज़दीक लिखता हूँ, जैसे ये दोनों टू की पावर थ्री के माइनस थ्री इंटू थ्री की पावर के माइनस वन, इसको मैंने नज़दीक लिखा, और यहाँ पर कितना है टू टू दी पावर थ्री जो होता है एट, और ये थ्री, ये हो गया आपका 24। तो यहाँ पर देखिए हमें ये 49 नहीं चाहिए दोस्तों, तो सेवन टू दी पावर टू के में ये 49 मुझे हटाना है, बट हटा तभी सकता हूँ, जैसे ये 49 अगर मान लीजिए इसमें भी होता तो कॉमन लेने के बाद जो हमें चाहिए, जैसे सेवन टू टू के चाहिए और ये वाला चाहिए, तो 49 कॉमन लेने के बाद ये दोनों टर्म हमें मिल जाता, लेकिन यहाँ पर 49 है, यहाँ पर 49 नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 24 है उसको 49 लिख देंगे। तो देखिए ये हो गया आपका 49, 7 का स्क्वायर जो है 49 हो गया, ये 2 की पावर 3 के माइनस 3 इंटू 3 के पावर के माइनस 1 इंटू, ये 24 की जगह मैं 49 लिख दिए। अब हमें लिखना था 24 टाइम्स दिस, अब लिखे कितना है 49 टाइम दिस, मतलब हमने जरूर 25 टाइम्स ज़्यादा लिखा है, तो जितना बार हमने ज़्यादा लिखा है उतना माइनस करना पड़ेगा, मतलब 24 था हमने लिखा 49, तो उतना टाइम्स सेम चीज को माइनस भी करेंगे, ये मैंने माइनस कर दिया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वाला जो है 49 यहाँ से कॉमन जा सकता है, तो 49 हमने कॉमन ले लिया, 7 टू दी पावर ये 2 के मिला, प्लस 2 की पावर 3 के माइनस 3 को 3 के माइनस 1 लिख सकते हैं इंटू 3 की पावर के माइनस 1, ये लिख दिए, माइनस ये क्या है, ये वाला टर्म को दोबारा लिखूंगा, टू टू दी पावर थ्री के माइनस थ्री, थ्री की पावर के माइनस वन इंटू 25। तो देखिए दोस्तों ये 49 ये क्या है, हमने पहले ही बोल रखा था कि पी के प्लस वन के अंदर पी के को ढूंढना होता है, और यही आपका पी के का वैल्यू है। तो इसका पी के का वैल्यू जो आखिरी पेज में क्या था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये पी के का वैल्यू है और पी के का वैल्यू था 25 m, तो उस जगह पे क्या करेंगे 25 m को रिप्लेस करेंगे। तो देखिए ये 25 m आ गया यहाँ पर, माइनस 2 की पावर 3 के माइनस 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1 होल इंटू 25। अब ये दोनों से हम लोग क्या करेंगे 25 को आसानी से कॉमन ले जा सकते हैं, तो 25 कॉमन जाने के बाद बचता है 49 m, 49 m माइनस 2 की पावर 3 के माइनस 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1। तो क्योंकि हमें ये एक्सप्रेशन के आगे 25 मिल चुका है, हम ये बोल सकते हैं कि पी के प्लस 1 जो है वो भी 25 के साथ डिविजिबल होगा। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, हेंस पी के प्लस 1 इज डिविजिबल बाय
सर दोस्तों ये पेन भी ख़त्म हो गया, तो देखिए दूसरा पेन से लिखते हैं, पी की प्लस वन इज डिविजिबल बाय 25 एंड सो पी एन इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 25। और इसी तरह हमने इंडक्शन के माध्यम से ये दिखाया, जो पी एन का जो ये एक्सप्रेशन था दोस्तों, 7 to the power 2n प्लस 2 to the power 3n माइनस 3 इंटू 3 पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 25।